दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भाजपा के सारे बड़े लीडर 9 साल की गिनती गिना रहे हैं। हम आ गए हैं मिश्रा जी के पास, इनसे भी गिनती जान लेते हैं कि भाजपा सरकार 9 साल में क्या की है। मिश्रा जी, 9 साल की गिनती सारे भाजपा के, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, सभी लोग गिनती करा रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि 9 साल में क्या हुआ है? 9 साल जिंदगी बेहाल, गरीबों का काल, उलझता हुआ सवाल, और जिंदगी से जुड़े हुए सारी परिस्थितियां और सारे मुद्दे सब बेहाल। यही है 9 साल नरेंद्र मोदी का। अब वो भाई भारतीय जनता पार्टी तो जश्न मनाएगी ना। देश की संपत्ति कौन बेच रहा है? भाजपा बेच रहा है। पैसा कहाँ जाएगा? भाजपाइयों के पास जाएगा। देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? भाजपा ही करते हैं। ऐश कौन करेगा? आप कभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए, आप सड़क पर यहाँ पर हैं, यहाँ बैठे हैं, जितने नौजवान हैं उनके चेहरे को पढ़िए, उनके आंखों में उनके दर्द को समझिए, जनता जितनी है उनसे पूछिए। महंगाई से बेहाल है पूरा जनता, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई, लू का मौसम चल रहा है, इतना प्रचंड गर्मी है, अस्पतालों में बेड नहीं है। जिला अस्पताल का देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। ये सब मुद्दा और इशू जब हम बात करते हैं राजनीतिक स्तर पर, तो भाजपा के लोग बौखला जाते हैं। भाजपा के लोग जैसे लग रहा है कि हम रिश्तेदार, वो हमारे फूफा जी हैं, वो हमारे मम्मा बनेंगे, कि हम उनकी इज्जत करें। अरे वोट लिया है, काम नहीं किया है। जिंदगी तिल तिल करके 9 साल में मर रही हैं और मर चुकी हैं, कई जिंदगियां मर रही हैं। किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, मजदूर हो, कौन है खुशहाल 9 साल में? कौन है खुशहाल? सबकी जिंदगी बेहाल है, बड़ी बुरी स्थिति है, और किसी पाप का सजा भुगत रहा है भारत नरेंद्र मोदी और भाजपा का वोट दे करके। ये कम पड़ा पाप नहीं है इस जनता का जो भाजपा को वोट देती है, बहुत बड़ा पाप है, और अब भुगत रहा है बेहाली में, बेरोजगारी में, तंगहाली में, रोता रहा है जनता। भाजपाइयों की बात छोड़िए, भाजपा चोर लुटेरे टाइप के लोग हैं, हृदय विहीन लोग हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, तो वो जश्न मना सकते हैं। वो तो लाशों पे जश्न मनाने वाले लोग हैं। कोरोना काल में इतने लोग मरे और सब जश्न मनाए, हिंदू मुसलमान का काम किए, प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान रहा था, किसान मर गया, मरा है ना, नोटबंदी हुआ, अग्निवीर में तमाम नौजवानों को जो है कि जेल में डाल दिया गया, कौन सा खुशहाली है? महंगाई, घर घर का जा करके आप सर्वे करिए, घरेलू महिलाओं से बात करिए, चप्पल निकाल के बात कर रही हैं भाजपा के लोगों से। आप वो सब लाशों पर जश्न मनाने वाले लोग हैं। आज पूरा भारत लाशों पर, लाशों का ढेर बन रहा है, बेरोजगारी में, बेकारी में, और ये जश्न मना रहे हैं। नहीं, देख, एक तरह ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे देश में चौतरफा विकास हुआ है। और कैसा विकास हुआ है पत्रकार भाई, कैसा विकास हुआ है बताओ ना। रोड बनवा देना, रोड कब नहीं बन रहा था? नैतिक रूप से दिल, तुम पैदा हुए थे तो रोड देखे थे कि नहीं देखे थे? आप पैदा हुए थे तो बिजली देखे थे कि नहीं देखे थे? आप पैदा हुए तो स्कूल में गए थे कि नहीं गए थे? आप पैदा हुए थे तो ट्रेन देखे थे कि नहीं देखे थे? आप पैदा हुए थे तो हवाई जहाज़ देखे थे कि नहीं देखे थे? क्या विकास, कौन सा विकास? अडानी अंबानी का विकास, कॉरपोरेट और गुजरातियों का विकास, नेवाला छीना है नेवाला, गरीब गुरबों की रोटी पर डकैती गई है, और ये कोई इंसान होगा वही मेरी बात को समझेगा। जानवरों के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, जल्लादों के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। यानी मान लिया जाए कि 9 साल में भाजपा सरकार कुछ नहीं की है। अरे बता तो दिया। तो जो ये लोग कह रहे हैं हर जगह, विभिन्न जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन 9 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। अरे तो भाई, वो भाजपा ना यार, हमने आपको बताया कि लाशों पर जश्न मनाते हैं।
भारत के लोग कैसे मर जाए, भारत के लोग कैसे बिलबिलाएं, कैसे रोएं, भारत के नौजवान खाली पढ़ कर करके पेरेंट्स का पैसा लगा करके महंगी शिक्षा ले। नौजवान यहाँ खड़े हैं, उनसे पूछिए कि पिछले 9 साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इनके फीस में, इनका स्कॉलर कहाँ गया, इनके पढ़ने का माहौल कहाँ गया, कहाँ है प्लेसमेंट, बताइए। सवालों के आधार पर तो तमाम नौजवान लड़ तो रहे हैं, कहाँ कुछ मिल रहा है। आप भी पत्रकार हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए। हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। अरे ये बेहया और निर्लज लोग हैं, इस देश को बेच खाने वाले लोग हैं भाजपा के लोग, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को खाली उन्हीं के कार्यकर्ता देखते होंगे और वो खुद देखते होंगे। यानी मान लिया जाए कि विकास नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बर्बाद किया है 9 साल में भारत को, और इसका दोषी जितना भाजपा है उतना ही इस भारत की जनता का भी है। भारत की जनता ने तो ये उपलब्धि तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का बताएगी ना कि हमने ये किया है, क्योंकि सामने चुनाव भी है। अरे भाई अब चुनाव है तो चुनाव का जो परिणाम आएगा आपको समझे में आएगा। कह तो रहे हैं कि हमारा पूरा लहर है, पूरे देश में लहर है, 29 राज्य है और 17 राज्य में भाजपा नदारद है, 5 राज्यों में एक एक दुद्दू अपना विधायक निकाल करके सरकार बनवाया है, और 4-5 में पूर्ण बहुमत में है, 29 राज्य में से 5 राज्य में पूर्ण बहुमत में है, सब में नदारता है, तो कहाँ है, कहिए तो हम गिना दें राज्य, और इनसे पूछ लीजिए कहाँ इनका लहर है। कहीं कुछ नहीं है, भ्रम है, मणिपुर जल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री विदेश चला गया, आज ही नरेंद्र मोदी विदेश गए, मणिपुर के लिए नहीं कुछ बोलना था, मणिपुर अब देश में नहीं है, मणिपुर में इनके भाजपा के सांसद पिटा रहे हैं, इनके मिनिस्टरों का घर जल रहा है, और जो नेता अपने मिनिस्टरों अपने विधायकों का नहीं होगा वो खाक इस देश के जनता का होगा। नरेंद्र मोदी वफादार नहीं है इस देश के लिए, जहर और कलंक है, क्यों नहीं समझते हो, अपने अपने इस देश की जनता को अपने साथ हो रहे धोखाधड़ी और अपने साथ हो रहे अन्याय का सबब लेना चाहिए, नहीं लेगा ऐसे ही बनेंगे। अरे यार बेवकूफ लोग इस भारत महान के प्रधानमंत्री बने जो बादलों में रडार छुपा रहे हैं कबीर और गुरु नानक का बैठक करा रहे हैं, ये क्या है यार, बेवकूफ आदमियों की बात है, स्क्वायर बना रहा है, नाले से गैस निकाल रहा है, और ये जनता ताली पीट रही है बॉस। अच्छा 9 साल फेल है या पास? 9 साल बहुत बुरा हाल, कह तो रहे हैं 9 साल जीवन का काल, हर आदमी तड़प रहा है, सरकारी कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, बेरोजगारी वाला नौजवान हो, घरेलू आदमी हो, सब तो रो रहा है, सबके चेहरे को एनालिसिस करो ना पत्रकार, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाजपा के 9 साल पे बनारस वाले मिश्रा ने अपनी बातें बताई हैं, जिस तरीके से कोविड को भी टच किए हैं और लोकसभा चुनाव में उसके भी बारे में बताए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भाजपा किस तरीके से और कुछ नया लेकर आती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।